हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फैक्ट वर्ल्ड। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के 10 सबसे गरीब राज्य के बारे में। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल के बेल आइकन को दबा दें, जिससे वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि GDP किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था को परिभाषित करते हैं। इसमें राज्य में होने वाले उद्योगों के द्वारा उत्पादन, व्यापार, सेवा, निर्यात, आयात आदि आते हैं। GDP के द्वारा राज्य की सालाना आय को तय किया जाता है। इससे पता चल जाता है कि देश पिछले साल के मुकाबले कितनी तरक्की पर है। यदि इंडिया के सबसे अमीर राज्य की बात करें तो पहले स्थान पर महाराष्ट्र आता है। इस राज्य में भारत के अन्य दूसरे राज्यों की तुलना में ज़्यादा व्यापार और उत्पादन होता है, इसी वजह से इसकी GDP सबसे अधिक है। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 10 सबसे गरीब राज्यों के बारे में, जिसमें नंबर 10 पर है कर्नाटका। भारत के दक्षिण में बसा कर्नाटका का नाम भी गरीब राज्यों में आता है। यहाँ के लोगों की बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं। कर्नाटक के गरीब बच्चों में पोषण की कमी देखी जा सकती है। इसी कारण इस राज्य का गरीबी स्तर 20.91% के आसपास है। दोस्तों, इस लिस्ट में जो राज्य नंबर 9 पर है वह है उत्तर प्रदेश। यह इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट होने के साथ एक गरीब राज्य भी है। उत्तर प्रदेश के लोग भी बिहार के लोगों की तरह रोजगार के लिए भारत के दूसरे राज्यों पर निर्भर रहते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश ने पिछले सालों में कई गुना तरक्की की है, फिर भी इनका नाम भारत के 10 सबसे गरीब राज्यों में आता है। इस राज्य का गरीबी स्तर 29.43% है। यदि बात करें इस राज्य के GDP की, तो इस राज्य का GDP है 14.89 लाख करोड़ रुपया, यानी $230 बिलियन। दोस्तों, इस लिस्ट में जो राज्य 8वें नंबर पर है वह है मध्य प्रदेश। भारत के मध्य में बसा मध्य प्रदेश का गरीबी स्तर 31.65% है और इस राज्य में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति यानी ST लोग पाए जाते हैं। यह राज्य आदिवासी लोगों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के ज़्यादातर लोग वन सभ्यता पर आश्रित हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में जो राज्य 7वें नंबर पर है वह है असम। यह भारत के पूर्वोत्तर में बसा एक गरीब राज्य है। यह भारत के मुख्य उत्पादन केंद्र से काफ़ी दूर है, इसी वजह से इस राज्य में बहुत कम प्रगति हो रही है। यहाँ का वातावरण और जलवायु परिस्थिति भी यहाँ की आर्थिक प्रगति में बाधा उत्पन्न कर रहा है। इस राज्य की गरीबी स्तर लगभग 31.98% है। यदि बात करें असम के GDP की, तो इस राज्य का GDP है 3.33 लाख करोड़, यानी $51 बिलियन। दोस्तों, इस लिस्ट में जो राज्य 6ठे नंबर पर है वह है उड़ीसा। इस राज्य में ज़्यादातर लोग पिछले वर्ग और अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं। राज्य में गरीबी का मुख्य कारण बेरोजगारी है। यहाँ की साक्षरता का औसत भी बहुत कम है, जिस वजह से 14 साल से कम उम्र के बच्चे भी काम करने को मजबूर है। इस राज्य का गरीबी स्तर 32.59% के आसपास है। यदि बात करें इस राज्य के GDP रेट की, तो इस राज्य का GDP रेट है 4.43 लाख करोड़, यानी $70 बिलियन। दोस्तों, इस लिस्ट में जो राज्य 5वें नंबर पर आता है वह है बिहार। बिहार में काफ़ी बेरोजगारी है, इस वजह से इस राज्य के लोग दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं। बिहार की आधा से ज़्यादा आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। यह राज्य भी कृषि प्रधान राज्य है और इस राज्य के ज़्यादातर लोग कृषि से अपना जीवन यापन करते हैं। इस राज्य का गरीबी स्तर 33.74% के आसपास है। यदि बात करें इस राज्य की GDP के बारे में, तो आपको बता दें कि इस राज्य का GDP है 5.15 लाख करोड़, यानी $80 बिलियन। दोस्तों, इस लिस्ट में जो राज्य 4थे नंबर पर आती है वह है अरुणाचल प्रदेश। इस राज्य को 1987 में बनाया गया था और यह पूर्वोत्तर में बसा सबसे बड़ा राज्य है। क्योंकि यह राज्य पहाड़ों में बसा है, इसलिए राज्य में सड़कें, संचार, बिजली की कमी है। इस राज्य की अर्थव्यवस्था ज़्यादातर कृषि पर निर्भर है। इस राज्य का गरीबी स्तर करीब 34.67% के आसपास है। यदि बात करें अरुणाचल प्रदेश के GDP के बारे में, तो आपको बता दें कि इस राज्य की GDP है 20,259, यानी $3 मिलियन। दोस्तों, इस लिस्ट में जो राज्य दूसरे नंबर पर आती है वह है झारखंड। यह राज्य पहले बिहार का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन साल 2000 में इसे राज्य अलग राज्य बना दिया गया। इस राज्य में गरीबी का स्तर 36.96% है। राज्य में साक्षरता, नामांकन, बच्चों में पोषण का औसत काफ़ी कम है। यदि बात करें इस राज्य के GDP की, तो इस राज्य का GDP है 2.8 लाख करोड़, यानी $43 बिलियन। दोस्तों, अब बात करते हैं इस लिस्ट में जो राज्य टॉप पर है वह है छत्तीसगढ़। यह राज्य साल 2000 से पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन इसके बाद अलग राज्य बना दिया गया। अब यह राज्य भारत के सबसे गरीब स्टेट की सूची में आता है।
आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ का गरीबी स्तर 37% है। हालांकि यह राज्य भारत में उत्पादित स्टील का 15% योगदान देता है, फिर भी इस राज्य के अधिकतर लोग गरीब है। यदि बात करें इस राज्य के जीडीपी रेट की, तो इस राज्य का जीडीपी है 3.25 लाख करोड़, यानी 50 बिलियन डॉलर। तो दोस्तों, यह थी भारत के 10 सबसे गरीब राज्यों की लिस्ट। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और बगल के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।